पुलिस का ठीक कंट्रोल है, ठीक शिकंजा कस रखा है और आने वाले दिनों में ये इस पर और ज्यादा कार्रवाई करेंगे और उनको कंट्रोल करेंगे। और सर, हरियाणा पंजाब की सीमाएं बीकानेर रेंज के जिले से लगती है, जनरली नशीले पदार्थ खास तौर पर शराब की तस्करी उन स्टेट से होती है, उनको रोकने के लिए अपन क्या करेंगे, सीमाओं पर क्या कुछ रहेंगे? ऐसे सारे पॉइंट्स इंटर स्टेट बॉर्डर के आइडेंटिफाई किए गए हैं इसकी साहबान के द्वारा, साथ में जो उनके काउंटर पार्ट उधर पंजाब और हरियाणा की पुलिस है उनसे भी बात करके वो पॉइंट्स आइडेंटिफाई हो गए। उन जगहों पे सभी पे बॉर्डर पे पुलिस की चेक पोस्ट डिप्लॉय जल्दी हो जाएगी, कुछ जगह पर हो गई कुछ जगह हो जाएगी, वहाँ पर दोनों तरफ से होगी, इधर से भी होगी और उधर से भी होगी। उस पर सीसीटीवी कैमरे भी इंस्टॉल रहेंगे, राउंड द क्लॉक वहाँ पर पुलिस रहेगी और ये बिल्कुल 100% सुनिश्चित किया जाएगा कि क्रॉस बॉर्डर कोई भी ड्रग्स या क्रॉस बॉर्डर कोई भी दारू पाकिस्तान में प्रवेश नहीं कर सके, इसको 100% इसकी इसको सुनिश्चित किया जाएगा। एडजी साहब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के बीकानेर रेंज आईजी ओम प्रकाश जी की ओर से नवाचार किया गया था, लेकिन चूंकि एआई जो है, अब एआई हो या कोई भी टेक्नोलॉजी है, एआई जो है उसमें टेक्नोलॉजी, अगर इसका किसी तरीके से मिसयूज और क्रिमिनल यूज हो रहा है वो सब साइबर क्राइम और उसके अंदर आता है, और खासतौर से अगर इसको चुनाव को प्रभावित करने की दिशा से किया जा रहा है तो इलेक्शन कमीशन की बहुत विस्तृत तैयारी है, उसके हिसाब से काम किया जा रहा है, अभी जिस पोस्टों का विमोचन कराया गया है ये भी एक तरीके से इनडायरेक्टली इलेक्शन को इफेक्ट करने के लिए जो बल्क में मैसेज भेजे जाते हैं उस बल्क मैसेज पे निगरानी करने के लिए, काउंटर करने के लिए एक अलग से हेल्पलाइन जारी की गई है। सभी जिलों में ऑलरेडी जो हमारे साइबर के प्रकोष्ठ हैं, साइबर सेल है, तो डिवाइस भी हमारे पास में, उनको इस बारे में विशेष निर्देश दिए गए हैं कि टेक्नोलॉजी रिलेटेड कोई भी साइबर चीज जो कि अदरवाइज क्राइम है या चुनाव को प्रभावित कर सकती है निगरानी करनी है और ऐसे तत्वों के खिलाफ। सर, जो आने वाले डिपार्टमेंट है उसका एक फॉर्मूला है, बूथ पे कितने लगेंगे, अगर किसी बिल्डिंग में एक बूथ है तो कितने लगेंगे, उसी बिल्डिंग में दो है, तीन है, चार है, पाँच है, उसका फॉर्मूला है। उसके बाद में अगर कोई बूथ क्रिटिकल है, सेंसिटिव है, तो उस पर क्या अलग से व्यवस्था होगी, कि मल्टी लेयर सुरक्षा व्यवस्था की जाती है चुनाव में, पहला लेयर बूथ का होता है, बूथ में भी दो तरीके के क्रिटिकल और नॉर्मल, उसके बाद में उसके ऊपर एक पुलिस की मोबाइल पार्टी होती है, उसके ऊपर फिर सुपरवाइजरी अधिकारी होते हैं, उसके बाद में अलग से पैरामिलिट्री आती है वो लगती है, फिर जहाँ पे ये जो आप काउंटिंग वगैरह उस सब का एक फार्मूला, उसके हिसाब से कैलकुलेशन हो गई है, उस कैलकुलेशन के हिसाब से जाहिर सी बात है बीकानेर रेंज को बाहर से फोर्स देनी पड़ेगी, तो वो सारी व्यवस्थाएँ जब आवश्यकता होगी उनको उचित फोर्स इनके पास उपलब्ध है। सर, अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण करने के लिए आपको ध्यान है, आपको लोकल मीडिया से संबंधित है, लगातार पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है, मैसिव पैमाने पर कार्रवाई की जा रही है। आपके यहाँ कुछ लोग जो सो कॉल्ड लॉरेंस बिश्नोई गएंगे, संपत नेहरा गएंगे, रोहित गोदारा है उससे जुड़े हुए थे, उनके कितने लोगों को न्यूट्रलाइज किया गया है, कितने लोगों को पकड़ा गया है, वो सब आप लोगों के ध्यान में है, जिससे कि दोबारा इस तरीके के लोग सामने नहीं आ सकते। ये बात भी सामने आई कि इसके कुछ लोग जैसे मैं जब जयपुर में था वहाँ भी जाकर उन लोगों ने या तो रैमसम के लिए टेलीफोन कॉल की या एक आध जगह एग्जीक्यूट किया, वो बीकानेर के लड़के थे, नाबालिग लड़के यूज किए, लेकिन वो सारे पकड़े गए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है। अभी जो उसका एक बहुत क्लोज था कोई हरी ओम भावावर, उसको अभी राजपासा में बीकानेर पुलिस के द्वारा डिटेन कराया गया है, मुक्त कराया गया है। तो आगे ऐसे जितने भी सो कॉल्ड गैंगस्टर्स, गैंग्स, गैंगस्टर्स उनके लोग हैं को आइडेंटिफाइड है, उनके खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जा रहा है क्लीनिंग ऑफ के लिए, और आगे भी ये कार्रवाई चलती रहेगी और उनसे प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। इस तरह के आयोजनों को लेकर कोई भी आयोजन जब तक उसमें क्राइम घटित नहीं होता है तब तक वो आयोजन करने पे पुलिस की ओर से कानूनी रूप से कोई रोक नहीं है। किसी भी आदमी को जिस तरीके की आप बात कर रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुद्दा यह है कि पुलिस उनको आइडेंटिफाई कर रही है, उनका पीछा कर रही है, उनके घर तक जा रही है और उनको खिलाफ काम नहीं कर रही। सर, एक
उसके लिए काम चल रहे हैं, अभी पिछले हफ्ते 100 गाड़ियाँ रोल की गई हैं, बोल रहे हैं हम वे ब्लॉक काम कर रही हैं और अक्टूबर तक 400 और गाड़ियाँ हैं, 500 गाड़ियाँ और फिर द्वितीय चरण में फिर 500 गाड़ियाँ हैं और साल डेढ़ साल के अंदर रोड पे 2500 गाड़ियाँ होंगी। वो 2500 गाड़ियाँ सारे आधुनिक उपकरण CCTV कैमरे GPS इस सबसे फुल्ली लोडेड होंगी। कुछ चीज़ होगी वो सब चीज़ कैमरे से निकालने होगी और पुलिस का रिस्पॉन्स टाइम अच्छा होगा, रिएक्शन टाइम अच्छा होगा, जनता को तत्काल राहत मिलेगी, तत्काल मिलेगी। सर अगर कोई भी व्यक्ति धार्मिक भावना भड़काने के हिसाब से जानबूझ करके कोई ऐसा व्यक्ति लेता है तो उसके खिलाफ कानून में प्रावधान है कार्रवाई करने का। सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी इसको बार बार हाईलाइट किया है, अगर ऐसा कोई करता है तो उसके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई है होती है। सर एडीजी साहब, अगर देखिए आज की तारीख में पुलिस तो रिकॉर्डिंग कर ही नहीं है, पुलिस के अलावा जहाँ पे सार्वजनिक कार्य मोबाइल की उपलब्धता है, अदरवाइज भी बहुत सी रिकॉर्डिंग हो रही है। अगर कोई आदमी रेडी पुलिस देगा तो कुछ सामने आती है, पुलिस तक आती है, पुलिस की सोशल मीडिया टीम है जो लगातार उसको मॉनिटर करती है। अगर वो हेट स्पीच की श्रेणी में आता है उसकी एक परिभाषा है, किसी का विरोध करना हेट स्पीच नहीं। दोनों ही बातें अभी मैं एक तो एक्चुअली उनके लोगों ने कॉल की है, लॉरेंस के लोगों ने या रोहित गुदारा के लोगों ने, और कुछ लोगों ने जब देखा कि उसकी कॉल आ रही है तो कुछ लोगों ने उनका अंकेश कॉल की है, उसका नाम यूज करके कॉल किया। इनके यहाँ भी हुआ है, बीकानेर रेंज में भी हुआ है, जिन लोगों ने उनके नाम को यूज किया है या वो खुद करें, पुलिस के लिए दोनों सेम है। पुलिस के लिए गहराई से इन्वेस्टिगेशन करना है, सोर्स को जाना है, सोर्स को पकड़ना। आईपी एड्रेस से कॉल होता है, आईपी एड्रेस ढेर सारे लोगों को अरेस्ट किया गया है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है, उन्होंने रैनसम कॉल की वर्ड को डाल करके सारे सोशल मीडिया व्हाट्सएप वगैरह फेसबुक ट्विटर वगैरह या जो लोग यूज कर रहे हैं उसके आधार पर पूरे पे निगरानी करके कोई इंटेलिजेंस निकल रही है एक्शनेबल तो वो निकल करके एसपी साहब तक आ रही है और एसपी साहब उसका एक्शन। सर बराबर फेसबुक क्लोन अकाउंट बनकर पैसे मांगे जा रहे हैं, रुक ही नहीं रहा है ये अपराध, एक के बाद एक सामने आते रह रहा है, तो इस पे कैसे अंकुश लगेगा, कैसे आइडेंटिफाई हो रहा है? क्राइम के ट्रेंड चेंज होते रहते हैं, आज की तारीख में पूरी दुनिया में साइबर क्राइम है, नए तरीके का क्राइम, इमर्जिंग क्राइम है, और उसको काउंटर करने के लिए राजस्थान पुलिस के द्वारा, बीकानेर रेंज की पुलिस के द्वारा, जिले की पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाइयाँ की जा रही है। अगर एक तरफ इस तरीके की घटनाएं हो रही है तो दूसरी तरफ लगातार लोग इस तरीके के पकड़े जा रहे हैं, पुलिस में साइबर क्राइम को टैकल करने के लिए, काउंटर करने के लिए रिसोर्सेज बढ़ाए जा रहे हैं, पद बढ़ाए जा रहे हैं, अधिकारी बढ़ाए जा रहे हैं, आने वाले समय में निश्चित रूप से इसके भी पुलिस नियंत्रण। सर ये तमाम बातें अच्छी फ्रेंडली पुलिस कहेंगे ऑलरेडी ये यहाँ के जितने अधिकारी मैं बात करूँ कि इन सबका व्यवहार इतना अच्छा है, ये इतने सॉफ्ट स्पोकन है कि आज भी आम इंसान चाहे जो पुलिस के अपने प्लेटफॉर्म में फॉर्मल प्लेटफॉर्म है, CLG है, सुरक्षा सखी है, ग्राम रक्षक है, पुलिस मित्र है, इसके अलावा इनफॉर्मल जो इनका एक सिस्टम है, कई एक नवाचार किए हैं, तो डेफिनेटली इनकी एक्सेसिबिलिटी। सर अंतिम सवाल, 19 नए जिले बने, चुनाव के दौरान लॉ ऑर्डर की जिम्मेवारी वहाँ के जिलों की पुलिस पर रहेगी, निर्वाचन अधिकारी पुराने जिलों के रहेंगे, कोई कोऑर्डिनेशन में दिक्कत नहीं आएगी, नए जिले और पुराने जिले मिलकर के चुनाव को कराने की जिम्मेदारी को निभाएंगे और इस समय इस संबंध में जो भी प्रक्रिया अपनाई जानी है, जो भी ड्रिल है वो सब कुछ तय किया, उसमें कोई भी कर